टुडे वी विल सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिलेटेड टू योर सिलेबस. वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इन योर सिलेबस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. एक्चुअली दिस इज इंट्रोड्यूस्ड इन द टॉपिक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. ओके, सो टुडे वी विल सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. देयर इज अ एपरेटस प्लेस्ड हियर. सो नाउ द क्लास इज स्टार्ट. ओके, सुनेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? हम इस वीकर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखेंगे. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? अभी मैं आपको बोर्ड पे भी दिखाऊंगा. तो हमारे पास लाइट जो ट्रेवल करती है तो या तो रेयर से डेंसर में या डेंसर से रेयर में, तभी रिफ्लेक्शन होता है. व्हेन द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, व्हेन द लाइट इज ट्रेवल थ्रू द मीडिया ऑफ डिफरेंट डेंसिटी, तो उनके जो इंटरफेस पर जो फेनोमेना होता है दैट इज रिफ्रैक्शन. क्या होता है? रिफ्रैक्शन. लेकिन एक फेनोमेना ये है कि अगर वैसे हम ये देखें कि अगर लाइट ट्रांसपेरेंट मीडिया से ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी तो रिफ्रैक्ट तो हो जाएगी, लेकिन वो तो पास हो जाएगी ना, मीडियम से पास हो जाएगी. जैसे मैं यहां से ये अगर बीम ऑफ लाइट गुजारता हूं इसमें से, तो ये इसमें से पार निकल गई, ठीक है, नीचे निकल जा रही है, इसका पॉइंट मिल रहा है नीचे. मैं इधर से अगर बीम ऑफ लाइट निकालता हूं, ये भी पार निकल रही है, बीम ऑफ लाइट, ठीक है. तो ये बीम ऑफ लाइट है, ये पास हो रही है, वाटर से पास हो जा रही है. लेकिन कुछ केस ऐसे होंगे जिसमें क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी. जैसे कि हमारी लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब जिस मीडियम से लाइट ट्रेवल कर रही होती है बाउंस बैक होकर उसी मीडियम में वापस आ जाती है, उस फेनोमेना को हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. जब टू डिफरेंट मीडिया, दोनों कैसे मीडिया हो, ट्रांसपेरेंट हो, और उनके इंटरफेस से लाइट बाउंस बैक हो जाए, अपने ही मीडियम में वापस आ जाए, तो हम क्या कहेंगे इसको कि ये क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो वही देखेंगे कैसे एक मीडिया से लाइट जब दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है और वो कैसे बाउंस बैक होकर अपने ही मीडियम में आ जाती है, जबकि दोनों ही मीडियम कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं. जैसे यहां पर अगर हम देखें तो अभी दो मीडियम है, एक तो ये वाटर है, दूसरा ये एयर है, सराउंडिंग में जो एयर है, और ये क्या है, वाटर. वैसे ये स्मॉल ग्लास की भी है, इसका ये ग्लास बीकर बना हुआ, लेकिन हम उसको अभी इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है. ग्लास से भी कुछ फर्क पड़ेगा. लाइट्स ऑफ, नाउ हियर इज अ बीकर, हियर इज अ बीकर, अ बीकर एंड आई एम हैविंग अ लेजर पॉइंटर. ओके, नाउ आई एम पासिंग द लाइट फ्रॉम दिस लेजर पॉइंटर. Here are two points. One is this one, okay, and another is that is on that wall. Okay, one point is there and another is there. Okay, two parts hain. इट मीन्स क्या हो रहा है, ये जो लाइट बीम, जो इसमें से ये लाइट बीम पास हो रही है, क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है. इसके टू पॉइंट मिल रहे हैं, वन इज हियर एंड अनदर इज दैट ऑन द वॉल. ओके, तो लाइट बीम क्या हो रही है, स्प्लिट हो जा रही है. लाइट बीम क्या हो रही है, स्प्लिट हो जा रही है. अब मैं इसको धीरे धीरे, इस लाइट बीम को मैं इसका एंगल चेंज कर, देखो अभी ये स्प्लिट हो रही है, एक पॉइंट मिल रहा है, एक पॉइंट दीवार पर मिल रहा है. अब मैं इसको धीरे 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 इसको क्या करूं, देखो जो दीवार वाला पॉइंट है वो पास में आ रहा है इसके. अब मैं इसको, मैंने एंगल चेंज किया, देखो ये आया ना, ये जो वॉल वाला पॉइंट है वो इसके पास आएगा. देखो ये आ गया, दोनों एक हो गया. अब इस समय क्या है, ये लाइट का सिर्फ एक ही पॉइंट है हमारे पास, क्लियर, एक पॉइंट है ना ये. हियर वी कैन सी द लाइट इज बेंडिंग, लाइट इज bending
फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ वॉटर एंड एयर, बिकॉज ऊपर क्या है एयर है, अंदर क्या है वॉटर है, सो लाइट इज बेंडिंग फ्रॉम दिस इंटरफेस, लाइट इज बेंडिंग फ्रॉम दिस इंटरफेस। अगर हम इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते, देखो ये क्लियर पॉइंट क्या मिल रहा है, ये क्लियर पॉइंट मिल रहा है, तो लाइट इज बेंडिंग फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ वॉटर एंड एयर एंड दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल, ये देखो लाइट यहां से आ रही है और ये अंदर को ही बैंड होकर चली गई, ये अंदर को ही बैंड होकर चली गई, इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। और क्लियरली देखो ये ऊपर से हम देख सकते हैं ये लाइट को बैंड हो रही है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ लुक एट दिस लाइट, हमें यहां पे रिफ्लेक्ट होती दिखाई दे रही है इंटरफेस पर, लाइट इंटरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, सो दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, जैसे जैसे हम एंगल चेंज करेंगे लाइट बीम क्या होती है वॉटर के सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। दिस इज अ बीकर, बीकर में वॉटर है, ठीक है, वॉटर मींस डेंसर मीडियम और यहां पर एयर को हम रेयर मीडियम लेंगे, तो ये एयर रेयर मीडियम और दिस इज वॉटर, तो ये डेंसर मीडियम, एयर वॉटर, वॉटर इज डेंसर, एयर इज रेयर, रेयर मीडियम और ये वॉटर डेंसर मीडियम। लाइट लाइट ट्रेवल करती है जब वॉटर से, इस तरह से लाइट ट्रेवल करेगी, ये वॉटर का सरफेस है, दिस इज नॉर्मल, तो नॉर्मल पर क्या होगा, ये इंटरफेस वॉटर का इंटरफेस और नॉर्मल होगा, वहां पर क्या होगा रिफ्रैक्शन, क्या होगा रिफ्रैक्शन, और जब वॉटर से लाइट ट्रेवल करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी, ये नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, लेकिन वो क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा, क्योंकि लाइट बेंड होगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयर में मूव करेगी तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड होगी, तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड कराओ, ये बेंड करा दी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है, ये तो ये लेजर बीम को दिखा रहा है, क्लियर। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दें, एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंक्रीज कर दें, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा और इंक्रीज कर दिया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंक्रीज हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंक्रीज हो गया, ऐसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता जा रहा हूं धीरे धीरे, एंगल ऑफ, जैसे मैंने कहा था जब एंगल कम था तो वहां पर हमें दो फ्लैश मिल रहे थे, एक बॉल पे और एक नीचे, मींस कुछ लाइट जो थी वो रिफ्लेक्ट हो रही थी उस समय, जब एंगल कम था हमारा, स्मॉल था एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्मॉल था तो क्या हो रहा था, एक फ्लैश तो हमें दीवार पे मिल रही थी बॉल पे, दूसरी फ्लैश हमें मिल रही थी टेबल पे, इट मींस सम पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टिंग एंड सम इज रिफ्लेक्ट है, इज इट क्लियर। नाउ ऑन इंक्रीजिंग दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंक्रीज होगा, और अगर इसको थोड़ा और इंक्रीज कर दें तो एक टाइम आएगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और एट दैट टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, क्या बोलेंगे इसको क्रिटिकल एंगल, मतलब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा 90 डिग्री हो जाए,
वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, दैट इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। और अगर और इसको इंक्रीज कर दें, इसको और ज्यादा इंक्रीज कर दें तो क्या होगा बताओ? अगर इस इंसिडेंट एंगल को और इंक्रीज करेंगे तो इट मीन ये लाइट जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो और इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ये ट्रेवल करेगा वाटर के अंदर से। रिफ्लेक्टेड रे है वो, ये रिफ्लेक्टेड रे ये किधर से ट्रेवल करेगी? वाटर के अंदर से, क्योंकि सरफेस के पैरेलल तो आ गई, इंटरफेस के पैरेलल तो आ गई, इंटरफेस पे लाइट कर रही है इसमें, क्लियर है? तो ये अंदर से ट्रेवल करने लगेगी और उस केस को हम बोलेंगे कि अब ये अंदर से मीन्स जिस मीडियम से जा रही थी उसी मीडियम में आ गई वापस, यही तो कहेंगे। तो मैं यहां पर एक और डायग्राम बना देता हूं, ये देखो, एक मैंने और इसको इंक्रीज कर दिया, दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने और बढ़ा दिया, तो इस केस में क्या होगा? अब लाइट ये ट्रेवल करेगी इस वाटर के सरफेस से वापस आ जाएगी, इंटरफेस से वापस आ जाएगी, और हमें एक सिंगल पॉइंट मिल रहा था इस केस में जब हम इसको बढ़ाते जा रहे थे, ये इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, क्लियर है? और ये हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये 90 से ग्रेटर हो जाता है। तो इसका मतलब है लाइट जिस मीडियम में जा रही, जिस मीडियम से ट्रेवल कर रही थी उसी मीडियम में वापस आ गई। तो ये किस तरह का फेनोमेना दिखाई दे रहा है? रिफ्लेक्शन जैसा। कैसा दिखाई दे रहा है? रिफ्लेक्शन जैसा फेनोमेना दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों बोल रहे हैं? यहां पर एक पॉइंट, टोटल इंटरनल, तो टोटल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हमारा लाइट का क्रिटिकल एंगल, जो एंगल था इंसिडेंस एंगल, वो क्रिटिकल एंगल से जब छोटा था, जब स्मॉल था, उस समय भी कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा था, लेकिन टोटली रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, क्लियर है या नहीं? उस समय भी अ पार्ट ऑफ लाइट क्या हो रहा था? रिफ्लेक्ट हो रहा था, बट टोटली रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा था और बाकी का पार्ट रिफ्रैक्ट हो रहा था। दैट्स व्हाई हमको कितने पॉइंट मिल रहे थे? दो डिफरेंट पॉइंट्स मिल रहे थे, जो लेजर पॉइंटर के दो पॉइंट डिफरेंट मिल रहे थे। जैसे जैसे हमने एंगल बढ़ाया और हमारा एंगल क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो गया तो हमें सिंगल पॉइंट मिला, वो भी डाउनवर्ड ऑन द टेबल, क्लियर है? उसमें इसका मतलब टोटल जो लाइट थी वो टोटली रिफ्लेक्ट हो गई, लाइट थी वो टोटली रिफ्लेक्ट हो गई, और दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया? कब होता है? कब होता है? When light travels from denser to rarer, ये condition है। Light हमेशा denser से rarer में travel करेगी, तभी total internal reflection होगा। Clear? When light travels from denser to rarer medium and angle of incidence is greater than, angle of incidence is greater than the critical angle, तभी total internal reflection होगा। Conditions क्या हैं? Angle of incidence should be greater than the critical angle and light to travel from denser to rarer medium, okay? और इसका कंक्लूजन हमने ये निकाला, इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि हमारे दो ट्रांसपेरेंट मीडियम हैं तो लाइट पास ही हो जाए, हो सकता है वो लाइट रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए केस कंडीशंस क्या है वो मैंने आपको दो कंडीशन बता दी, एक तो डेंसर टू रेयरर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। उस समय जो इंटरफेस होगा, जो दो मीडियम का इंटरफेस होगा, वो किसकी तरह बिहेव करेगा? लाइक अ मिरर, ओके, मींस लाइट को बाउंस बैक करा देगा सेम मीडियम में, ओके, क्लियर? ये देखो जो लेजर पॉइंटर है, अगर इसकी हम बीम को थ्रो करते हैं तो ये बोर्ड पर एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, लेजर पॉइंट दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, लेकिन इसकी ये देखो मेरे हाथ पे भी दिखाई देगा, ये लेजर पॉइंट दिखाई दे रहा है, लेकिन बीच में कोई बीम दिखाई नहीं दे रही है। बीम दिख रही है लाइट की? कोई बीम नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब ये इनविजिबल है। अभी हमारे लिए कैसी है? इनविजिबल है बीम, लेकिन ये बीम विजिबल हो जाती है अगर हम इस वाटर के थ्रू, देखो अब ये लाइट की बीम इसमें दिखाई दे रही है, लाइट की बीम दिखाई दे रही है। This is also known as Tyndall effect. इसको क्या बोलते हैं हम? Tyndall, तो ये phenomenon, ये Tyndall effect क्या भी है इसमें?
कि लाइट की बीम अगर हम ये वाटर के थ्रू अगर इसको मारते तो इसमें क्या है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स से क्या हो रहा है, ये बीम विजिबल हो जा रही है, इसके अंदर ये बीम क्या हो रही है, विजिबल हो जा रही है, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ओके, गॉट इट, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, व्हेन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल, द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल बाय द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसके थ्रू पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड और एयर, अगर पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं उनसे अगर लाइट विजिबल हो जाती है, जैसे अगर हम ये लाइट को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे बहुत डीपली इसको ऑब्जर्व करेंगे तो कभी कभी एक आध पार्टिकल जब इसकी बीम से निकलकर जाता है तो वहां पे उस पार्टिकल की स्पार्कलिंग दिखाई देती है, पार्टिकल क्या होती है, स्पार्कलिंग दिखाई देती है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा चॉक पाउडर डालते हैं, ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें देखो चॉक पाउडर लिया है, ये चॉक पाउडर मैं इसको इसमें डिसॉल्व करूंगा, ये इसमें डाल देते हैं चॉक पाउडर का टैम डाल दिया। अब इसमें लेजर की लाइट, देखो ये पार्टिकल स्पार्कलिंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, yes, sir. ग्लिटर होते हुए दिख रहे हैं, yes, sir. थोड़ा सा और लाएंगे, ये इसमें देखो बहुत सारे पार्टिकल डाल दिए, अब देखो ये ग्लिटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये देखो ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे उसके लाइट के बीम के पाथ में पार्टिकल्स आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसको विजिबल बना दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विजिबल बना दे रहे हैं, ये मार्कर से ऐसे हिलाओ ऐसे हिलाओ और फिर इसमें बीम, ये देखो दिख रहे हैं, ये दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट माई डियर स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, हो गया ना विजिबल पाथ, हो रहा है विजिबल पाथ, देखो क्योंकि अब इसमें पार्टिकल्स ये हैं, ये चौक के पार्टिकल्स ये क्या हो रहे हैं, इसमें डिजोल्व हो गए, ये क्या था, ये है सस्पेंशन है क्या था, क्योंकि वो बार बार बैठ जा रहे हैं इसलिए मुझे बार बार इसको डिजोल्व करना पड़ा, डिंग 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 और डिंग 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 और ये देखो ये डिंग डिंग डिंग, देखो हो रहा है ये विजिबल हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, क्लियर, ओके, तो आपको टिंडल इफेक्ट समझ में आया, दिखाई दिया, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, व्हेन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल बाय द सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन एयर और लिक्विड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट एंड व्हाई दिस हैपन, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स जो होते हैं उनसे जो लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है उसकी वजह से क्या होता है, पाथ विजिबल हो जाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं।